ओडिशा 365 चैनल आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो नारायण मिश्र। आज आम आलोचना करिवा जे प्रारब्ध कौन आ प्रारब्ध कटिबो ना नाही, संपूर्ण रूपे प्रारब्ध को काटी होबो ना नाही, जदि काटी होबो तार तार उपाय कौन। एक्चुअली आमे जो काम करुचे क्रियमाण कर्म सेथुरु केते गुडी सांगे सांगे फल मिल जाए, जोड़क फल न मिल पारे आम जीवन काल भितर, जीवन काल भितर सेथुरु किसी संचित ही रही जाए। से संचित कर्म जो रही ये पुण्य अच्छी पाप भी अच्छी, से अनुसार ठीक करा जाए जे कौ जन्म ये प्राणी नब ये जीव नब। संचित कर्म अनुसार आम कम करे कि फल मिल जाए, जहाँ फल मिलना से अनुसार जन्मटा निर्धारण करा जाए। भगवान करते या जन्म दि जाऊ, सी जन्म नहीं सारापर जो जो टिक फल बाकी रही जाए सी फल आरंभ करने कहुए प्रारब्ध भोग हो। धरतु जड़े जन्मरू अंध, ताकू देखला बेलू सी पूर्वजन्म विभिन्न आड़ू अपहरण करी चारोटी पिला आनी आखि फुटे भिक मगैया व्यवस्था करथिला, रास्तार बस पैसा पाइबा सकाशे फलस्वरूप ताकू जन्मरू अंध कर दियाला। जन्मरू अंध नुहे जे सी भोग, भोगे तो समस्ते कि जन्मरू अंध हेले समस्ते भोगे से कथा नुह। मनुष्य जन्म थे पाई मैंने ताप बहुत बाट खोला अच्छे, भगवान अनेक बाट ताप खोला रखिंट। सबुठ बड़ सुविधा बाट है भगवान को ना नवा भजन करवा। जन्मरू अंध सूरदास भी होते, किंतु सूरदास होगापर सी ईश्वर एभली प्रार्थना कले कि भगवान निजे गोटे बड़ खाल बा कूए पड़ता बेले आसी उद्धार कले। सी हाथ को छाड़े नहीं कहे तुम किए कह मुझे हाथ छाड़बिनी, कहीं मत ये खालू उद्धार करवा लोक मुझा को प्रार्थना करेत आउ कहीं नई पारती। भगवान जबरदस्ती हाथ छड़े ने कूर उद्धार कर सारापर से सूरदास कहते हाथ सीना छड़ीदेल मो मन भर तुमको नहींगर देखा, मो हृदय भर तुमको नहींगर देखा। अर्थात सी हृदय भर एभली अच्छी जे सूरदास निश्चित जे सी भगवान हृदय जापरें ना। आम जो कम करुचे से कतोटा जाशुणी करुचे, कतोटे अजाणतार कर। गोटे उदाहरण दूसरी जड़े आंगुठी निआरे पुरेला, आंगुठा पोड़गला तत्क्षणात फल मिलगला। जानते पुरो कि अजाणते पुरो पोड़ाटा निश्चित ना ना, सेमती जानते कर कि अजाणते कर दंडटा निश्चित। किंतु से दंड दबा पूर्व भगवान चिंता करती या कौन कर जाशुणी करे जन्मरू अंध भोग, यदि जाशुणी न कर अजाणत रही ताले जन्मरू अंध तो पनिशमेंटा निश्चय मिल, दंड निश्चय मिल, कि व्यवस्था करवा जमीक सी मो आड़ को आसो जमी सूरदास को कराला। अंध हो भगवान निज लोक भाया रखिले। आउ केतेक लोक सी एभली काम करे सी दंड पाइला बेलू किछि दिन दंड पाती और सी जन्मे सी एभली काम करती दंड पाइला जन्मे जे सी सद्गुरु शरण में आसी दंडमुक्त हो जाती। उदाहरण जीशुकृष्ण पाखे गोटे अंध पहुँचला कहला आज्ञा मोर गोटे प्रार्थना मते मुमती दुनिया देखी। जीशुकृष्ण आशीर्वाद कले, तार अंधत्व गला चली। तार एभली प्रारब्ध थिला जे से किछि दिन परे पुणी तार प्रारब्ध कटिजिवो एवं से पुणी भले रहिवो। आश्रय कार नला गुरुंकर, जहाँकर एसबू करिवार अधिकार अछि, क्षमता अछि। तेणु प्रारब्ध कटिवो नाही बिली कथा नाही। तुम्हें जिते बड़े मनुष्य जन्म पाच से बड़े जो प्रारब्ध अच्छी जो दंड भोगा तार को काटार बाट गोटे मात्र अच्छी कि ठाकुर नाम नवा और तांकर शरणापन्न हवा संपूर्ण रूपे। गीतार जहाँ भगवान शेष अध्याय कहते संपूर्ण रूपे शरण देले मु तुमको सर्व पापरू मुख्य हिसामी मासुच, सर्व पापेभ्य मुख्य हिसामी मासुच, सबू पापरू मुक्त करदेवी। किंतु से पर्यंत से भली चिंताधारा हवा दरकार। बर्तमान प्रश्न उठुची जे प्रारब्ध को काटिबार बाट कौन अच्छी, बाट अच्छी। आम मार्कंडेय मुनि कथा आलोचना करवा। मार्कंडेय बापा महान शिव भक्त थे, तपस्या कले गोटे पिला पेयकि। शिव आविर्भूत हेले, कहले कह तुम 10टी अगुणी पुत्र पाइब, बलवान पुत्र किंतु भल गुण नथिबो ना, गोटे पुत्र पाइब जेमिति हेले भी तार गुण बहुत भल थिबो ना, मते गोटे पुत्र दियंतु। तथास्तु, किंतु से बेसी दिन बंचिबो ना, तार आयु 16 वर्ष। गोटे पु हेले आयु 16 वर्ष हो, 10टी पु हो आयुर किसी सेमिति सीमा ना, बहुत दिन बचबे किंतु अगुणी हेबे। मार्कंडेय बापा पुणी थरे कहले नाई मोर से गुणीपुत्र कम बयस पचक हो मत से गोटे पु दियो। भगवान तथास्तु करदे, किंतु पु को जतबे से चाली बोलू पारा भलमंद जापारा 5 वर्ष बयस, मार्कंडेय बापा वाराणसी गंगा कूल को नहीं गले, सेठी घर करके रहिले। कहले तू ए गंगा कूल में बसबू ना? आज्ञा। पितृभक्त से भी शिव भक्त, पिलाटी भी शिव भक्त, बापा पूजा कला बेले से भी बसे हाथ जोड़ी। ओम नमो शिवाय बापा कहले, ये भी कहे। कहले नाई तू मु पूजापूजी करुच्ची, तू गोटे काम कर, सेठी बस घरे रहू, सकालू जीवु चली सेठी। जी सब गाधेया को आसवे साधु सन्त जी भी आसतु, जेमती गाधेक आसवे तू लंब ही गोत्र पड़ू करू तो ना? आज्ञा। पितृ आज्ञा शिरोधार्य। मार्कंडेय बसिले, 5 वर्षर पिला जी आसुच्च गाधेकरी गंगारू पाखे गोत्र पड़ुं, लंब ही गोत्र पड़ुं। सी कौन शांति रुह, भलरे रुह, किए कौ तुम जीवन भलरे कटू, ये आशीर्वाद सब पाई। बड़ चिंतार पड़े बापा, कहले ये सब आशीर्वाद कौन हो, आयुषटा बढ़िया आयुष तो कहीं दौना। एमती अनेक वर्ष बीतीगला, 16 वर्ष हवाक अल्प दिन बाकी अच्छे। पूरी गले सी चलीजे मरीजे। ये बड़े मार्कंडेय बापा देखिले सनत सनातन जो 4 भाई विष्णुवंशी, जहाँ को अपमान कर विष्णु को द्वारपाल 3 जन्म पर्यंत राक्षस जन्म पाइले, 3 जन्म भगवान निजे ही मुक्त करते, मुख्य देते 3 जन्म पर। सी 4 जन जाक सनत सनातन 4 जन जाक आसी पहुँचले। स्नान करी जेमती आसछंती 16 वर्ष पाखापाखी वयस्क मार्कंडेय लंब ही गोत्र पड़ेगी। हठात पाटू बाहरला चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। मार्कंडेय बापा दौड़िक आसिले, कहले भगवान आपणकर तो अशेष क्षमता, आपण जहा कहते हो जाऊ, किंतु ये तो अभागा, मु भी अभागा, मु बर पाई जे यार आयुष 16 वर्ष, या केमी आज्ञा चिरंजीवी करदे। आपण फल तो आपण बर तो अकाट्य हम ना बोली कथा ना। सनत सनातन कहले ठीक अच्छे, आम तो बर फेर नहीं पारूनी, पुओ को कह गोटे काम करूँ, तो शिवलिंग ये स्थापन करूँ, ताकू धरिक बसी यार आयुष अल्प दिन अच्छी पूरा को एवं आज ठूँ यही मुहूर्त ठूँ ताकू धरिक बसी शिव को स्तुत करूँ, शिव को डाकू। सी महाकाल, काल तार समय सरीगला बोली कह, सी तो महाकाल, तांको शिवलिंग को धरिक ओम नमो शिवाय जप कर। मार्कंडेय सेया कले, सेठी शिवलिंग स्थापन कले। आगुरी भी अभ्यास अच्छी महादेव स्तोत्र बोलवा, तेणु महामृत्युंजय मंत्र मंत्र से रचना कले। किए? मार्कंडेय। महामृत्युंजय मंत्र रचना करी ताकू बोलले, बोलिक शिव लिंग कुंढेकी धरले। जो दिन 16 वर्ष पूरीगला, काला आसीगले, जमराज आसीगले, कहले केमी या नेबी, फासटा पकईबी, या नहीं जीवे जीवक, ये तो शिवलिंग को धरची, जदि फास पकई दौर महादेव सहित फास पकड़ तो असुविधा हम, जिते चेष्टा कले अलग करने विभिन्न प्रकार भय देखी सी अलग हेले ना। शेष को फास पकड़ बसिले, पकईले शिव आड़ को एकाथरके 2टा कोपर पड़ो, निजे शिव आविर्भूत हेले। जमराज नमस्कार कले, कहले हे महाकाल, आपण लिखित नियम अनुसार जीवर काल पूरीगला, मुझे नवाक आसी। शुण मु तुम जाच न जाच मुझे से चिरंजीवी हबार बर पाई सारी, मुझे बर्तमान से बर दूची जे सी के मरबनी, सी अमर हो गला सबुदिन पे। श्री मार्कंडेय मुनि शास्त्र पुराण संगीता रचना करेंगे, लोक दिग्दर्शन देवे, जुग जुग धरी मार्कंडेय मुनि होकर से रे। तेणु तुम्हें फेरी जा सी बर्तमान ठारू जो दिन पर्यंत जावत सुंदरक जिते जुग हम जिते जहाँ हम कल्पकल्प धरी मार्कंडेय मुनि विनाश हेनी। मार्कंडेय मुनि बापा लंबाई गुरुतर पड़े महादेव कहले जे तुम्हें मते हो जे ईश्वर को जी सब बेले ध्यान करे जी सब बेले ना निए सी कि प्रारब्ध कौन संचित कर्म कौन एगुड़ाक कौन से किसी काम दबन किसी काम दबन। अनेक मुनि ऋषि कहते राम नाम कृष्ण नाम पुण्य जेते पापी नकरी पारे पाप तेते नाम थरे मात्र नेले एते पुण्य जे पापी जिते पाप कले भी से धोईदेव किंतु से नाम टी अहरह नवाक पड़ो निश्वास प्रश्वास नवाक पड़ो। तुम्हें राम का नाम नियो कि कृष्ण का नाम नियो कि राधा का नाम नियो कि गुरु का नाम नियो महावीर का नाम नियो जहाँ नाम नियो ईश्वर तो असंख्य नाम जो नाम टी तुम धरीच से नाम टी तुम निश्वास प्रश्वास सब चली जदि से नाम टी तुम्हें नहीं पार ताहले सद्गुरु को कृपारु ही तुम प्रारब्ध नष्ट हो। सत्संग रे आउ थे शुणु सत्संग रे सद्गुरु को कृपा रे प्रारब्ध नष्ट हो पारिबो केमिति। थरे नारद पचारि प्रश्न श्रीकृष्ण कहले प्रभु सत्संग जिनसटा कौन मु जानि पारुनी साधु किए सत्संग कौन मोर कहीं किसी सन्देह टी हो प्रश्न तुम गोटे कम कर तुम्हें जाओ से अमुक जगार गोटे चढ़ई ए पिला जन्म कर पड़ाओ देख कौन हो। नारद पहुँचले चढ़ई छुआटी जन्म होला जेमित आखि खोलिक नारद को देखी से मरीगला से चढ़ई गोड़ला नारद को नारद अंतर्धान पलि आसिले कहले प्रभु एमती जगह मत पठेले सी गोटे माँ टे छुआ को जन्म कर सारापर सी आखि खोली मतलब चाहिला सी मरीगला मु कौन एड़े बड़ पापी मत इमती जगह कौन पे पठेल मु तुम सत्संगर अर्थ पचारूँ ना ठीक अच्छे सी गोटे जहाँ हो तुम गोटे जगह गोटे बाछुरी जन्म हे से गाई ठूँ तुम टे जाओ से दरकार टे जड़े साधु पहुँचवा से आप कहले तो मुझे ना जाओ गले गाईटी बाछुरी जन्म कला से बाछुरी उठी ठियाला टी डेला भाया है जो चाहिदेला नारद को सांगे सांगे मरीगला से गाई एकड़ सेकड़े देखला नारद ठियाई गोड़ेला नारद अंतर्ध्यान पलि आइले कहले प्रभु ये जगह मत पठाओ निश मु कौन सब लोक मारिया सकाशे पठेबी मत बुझौ तो सत्संग कौन ना आ गोटे जगह तू जा गोटे स्त्री लोक बहुत कष्ट पाऊँ सी चाहूँ जड़े साधु किए आसुन आशीर्वाद करूँ तार कि प्रसव वेदना कमी जाऊ पाटी जन्म हो जाऊ पुणी से पिला जन्म पाखक जी ना जाओ तुम ये जाओ ठीक अच्छे तुम्हें कौच मुझे जा पहुँचले पिलाटी जन्म होला अन्न मान अजाणत से पिला जन्म होला मात्र कहला प्रभु हे नारद महामुनि आपण ईश्वर अंशी एवं ईश्वर का परम भक्त आपण को संग पाई मु आ पक्षी जन्म नेली नहीं पक्षी जन्म 20 लाख प्रकार पक्षी अच्छा सब मु भोगी था पशु जन्म पाईगली पुणी आपण संग आपण दयार्द्र हृदय हो पुणी आपण मत सत्संग करेले मु सांगे सांगे पशु जन्मरू मुक्ति पाईगली 15 लाख 20 लाख प्रकार पशु अच्छा मुझे सबुरी आ घूरली ना हठात मनुष्य जन्म पाईगली श्रेष्ठ जन्म। नारद पढ़े आसिले कहले प्रभु बुझीगली सत्संग कौन केते जन्म कटिज सत्संग तार किसी इयता ना 15 लाख 20 लाख जन्म कटि जाऊँगी तेणु आपण आशीर्वाद आपण ना धरुवर आपण भक्त हो आपण पदरे शरण नहीं मो संग पाई एम जिते बड़े मुझे भावी ये सत्संगर बहुत प्रभाव तेणु सत्संग हेले बहु प्रकार प्रारब्ध नष्ट हो आगुरी कही प्रारब्ध नष्ट हुए ना किंतु भोगवा भगवान व्यवस्था करदे एमती भोग तुमको बाधिबो ना जदि क्या द्वारा किसी नकरी पारे से निजे पलि आसवे। आपड़ माधव दास कथा भावतु जगन्नाथ भक्त झाड़ा बांति पड़ते केही करवाकू नाहांती गोटे 20-21 वर्षर पिला आसी तांकर घर सफासफी करुच्ची लुगाफटा धोई दौर सब घड़ी घड़ी झाड़ा हो जाऊँगी भयंकर रोगे पड़ती ये सब दिन धरले पचारे कि बाबू तू किए तू कौन मुझे किद दिन देखु तू रेगुला नियमित भाव मुझे तो सबुदिन देखिपारुनी मुझे आसला बेलू लुगाफटा सफाई थुआई तू किए मोर लुगाफटा सफा करा किए कर तुम तो सब बेले कौच भगवान तुम छड़ा मोर आउ कहीं ना यदि मो छड़ा तुम कहीं ना तुम सेवा कर किए मु ना तुम प्रारब्ध अनुसार तुम भोगुच किंतु मु देखिली जे यही जन्म तुमको त्राही दवा को पड़ो तेणु भयंकर कष्ट देली रोगे पड़ल झाड़ा बांथी सड़ल किंतु मु देखिली जे आउ तुम सब बेले कौच ये तुम छड़ा मोर आउ कहीं ना जदि जड़े आटेडाट को जड़े स्वामी पड़ी रोगे स्त्री छड़ा तार कहीं ना स्त्री तार करना बापा पड़ी रोगे पुओ छड़ा कहीं ना पुओ तार करना आ तुम्हें पड़च रोगे जड़े साधु मो छड़ा तुम कहीं ना तुम हर कौच मु करा किए कर लंब हो पड़गले पूरा झाड़ा बांती कना सफा कर प्रभु तुम आसीगल एभली कम करना कम कि ना जो मो छड़ा तुम कहीं ना से मु कर किए जो द्रौपदी देखिले धृतराष्ट्र तांका पांच पति भीष्म आउ जो माने श्री वयोज्येष्ठ लोक अच्छा क्षमतावान लोक अच्छा सी समस्त प्रार्थना कले कि हेनी हाथ टेकदे से मुझे पहुँची ना जिते हाथी पोखरी भितर पंके पशिची शह शह हाथी आसी टाणिले कहीं नहीं पारे ना से पद्मफुलटे सुंडे आणिकी टेकीदेला उपरू प्रार्थना कला जे हरि परम करुण तापादे पशिली शरण रखु न रखु से जाणई ताबिनु अन्य गति ना देखु कि प्रार्थना जोटा द्रौपदी करते रख न रख तुम इच्छा से तो पर करते द्रौपदी तो हमें करते कि समय चेष्टा कले कि सिंपाति पाइया को पाइले कहारी ठूँ पाइले बयोज्येष्ठ लोकों आश्वासना पाइले हाथी भी बहुत चेष्टा करता शेष को यहाँ पद बोलला किंतु उत्तरा सी क्या डाक ना कहे हे प्रभु हे ईश्वर हे ब्रह्मांडर रक्षाकर्ता सृष्टिकर्ता रक्षाकर्ता मोर कहीं ना ये ब्रह्मसर मो आड़ को माड़ी आसुच्छी मत पछके ध्वंस करदेऊ मो गर्भर थिबा पिला रक्षा पाऊ भगवान देखिले ये मत ही डाकुची आर कहीं ना सी आसी रक्षा कले तेणु तांकर अशेष असीम क्षमता प्रारब्ध कटिवा तो साधारण कथा जितेबले तुम्हें तांको शरण आसो आम समस्ते जितेबले शरण आसवा से सी रक्षा करने को समय लगे तेणु साधु सन्त मैंने कहते प्रारब्ध काटवाक हेले तुमको 3-4 जिनस मानवाक पड़ो प्रथम है अहरह भगवान का नाम नवाक पड़ो अधिकांश समय जो अन्य जिनस चर्चा हो भगवान का नाम नुह से चुप रहा पड़ो से स्थान परित्याग करा पड़ो एक द्वितीयत सद्गुरु को आश्रय नवाक पड़ो बिना गुरु रे त्राही ना एवं सत्संग अहरह करा पड़ो जोटी साधु सन्त मैंने जो मानकर संसार प्रति लोभ ना बसंती सागर मिशा पड़ो लोक मान मध्य बहुत साधु अच्छा जो मैंने आम जापारे सहित बसा उठा करा पड़ो ये द्वितीय तृतीय जिनस हो गोटे भगवान का नाम अहरह नवा द्वितीयटा है सत्संग करवा सद्गुरु का आश्रित हवा एवं तृतीयटा होन्य लोकर जिनस प्रति आकर्षण न रखा सी 3 जनक जिनस सी अन्य लोकर जिनस सी कोठ जिनस जो जिनस मोर नुहे एक्सक्लूसिवली मोर नुहे एने अंश अच्छी एथेर अन्य लोकर अंश अच्छी से जिनस छुईब ना साढ़े चाहब ना जरासंधर मुकुट जिते बड़े पिंधिदेले परीक्षित बन को गले शिकार करने को बहुत सुंदर मुकुट भीम घिनी आसते जरासंध मला बेले भितर थुआईला ताकू पिंधि परीक्षित पड़े शिकार कले शोष है से मुनि का आश्रम को जाकर मुनि का बेकर जो डाकिले से सुनले नहीं साप पकईदेले पु अभिशाप देला 7 दिन बदले तक्षक दंशन कर शुक मुनि जो देखाले प्रवचन देले भागवत कथा कहली से पचारे कहले भगवान हे गुरु मत ये दंड कहीं मिलला ना तू पर जिनस लोभ कलु जरासंधर मुकुट केते पाप कार्य से लिप्त थी जरासंध मुकुट पिंधिकी आसवाक स्वीकार करने कौन दरकार था तो पर जिनस दंड बढ़ईदेव तत्ण दंड भी मिल पाए तथे तत्ण दंड मिलगल 7 दिन भितर तक्षक दर्शन कर पापीर मुकुट तू पिंधिकी आसलु तेणु प्रारब्ध से न कटो से कथा ना हाल्का हो भगवान चाहिए तुमको से भाई जन्म देवे जमी सूरदास को देते जीशुख्रीस्ट जन को भल करते ये जिनस देवे जमीक तुम्हें पुणी ईश्वर का नाम नब एवं पाक जावाक व्यवस्था कर तेणु ईश्वर का नाम नवा सत्संग करवा पर जिनस लोभ न करवा तेणु ये 3टी जिनस प्रारब्ध नष्ट होवार बाट सुगम हो आजपाई ये नमस्कार।